बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। एज़ यू नो ऑल, वी हैव स्टार्टेड दिस बुक एंड टुडे वी विल स्टडी फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 26। सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 26। ओके, एनएनसी, द टाइटल इज़ एनएनसी इन 5। एनएनसी इन 5 इज़ द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। एनएनसी इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर, लाइक यू कैन से स्पाइडर लेग्स एंड ह्यूमन हेड। उसका स्पाइडर की तरह की लेग्स हैं और आदमी की तरह का सर। एंड फाइव इज़ अ नेम ऑफ एनी विच वर्ड्स टू नो, चार्मिंग, वेरी प्लेजेंट और अट्रैक्टिव, दिलकश, ठीक है, डिलीशियस, स्मॉल, टेस्टी और रेयर फूड, यानी कि डिलीशियस, अच्छा खाना, फ्यूरियस, वेरी एंग्री, नाराज़ होना, ग्लम, सैड, उदास, स्कॉल, एन एंग्री एक्सप्रेशन, एक जो गुस्से वाला, गुस्से का इजहार करना मुँह से, फेस से जाहिर होना गुस्से का, स्कर्डिंग, मूविंग हरडली विद क्विक शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ तेज तेज चलना, ट्रिक्स्टर, आ मिसचीवियस कैरेक्टर, यानी कि जो डिफरेंट तरह के एक्ट्स कर सके ट्रिक्स्टर, ठीक है, सो ट्रिक्स कर सके, जादू यू कैन से। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर लिव्ड अ क्रिएचर कॉल्ड एनएनसी, वहाँ पे एक मखलूक रहती थी जिसका नाम था एनएनसी। सम टाइम्स एनएनसी वाज अ स्पाइडर, कभी कभी एनएनसी जो है वो स्पाइडर होता था। एंड सम टाइम्स ही वाज अ मैन, और कभी कभी वो आदमी बन जाता था। एंड अदर टाइम्स ही वाज अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ टू ऑफ द टू, और कभी कभी वो दोनों का मिक्सचर बन जाता था। एनएनसी वाज अ ट्रिक्स्टर, वो जो है ट्रिक्स्टर था, यानी कि एंड ही वाज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम, और अब उसका बुरा वक्त चल रहा था। ही हैड नो मनी टू बाई फूड फॉर हिज फैमिली, उसके पास कोई पैसे नहीं थे कि फैमिली के लिए फूड खरीदे। एज ही वॉक्ड अराउंड द विलेज, अर्ली वन मॉर्निंग, एक सुबह जो वो अपने गाँव के चक्कर लगा रहा था, ही हैड अ स्कॉल, उसे ना एक आवाज़ आई, स्कॉल गुस्से से चीखने की आवाज़ आई, ऑन हिज फेस इन, सॉरी, ही हैड अ स्कॉल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे गुस्सा था, एंड अ ग्रोल ऑन हिज स्टोमिक, और उसके स्टोमिक में ग्रोल, यानी कि वो कुछ आवाज़ें जैसे कि उसका पेट खाली था और आ रही थी। सो बुक की वजह से, पासिंग बाय अ नेबर्स हाउस, करीब के पड़ोस के घर से गुजरते हुए, एनएनसी हर्ड, एनएनसी ने सुना, समथिंग दैट प्लीज्ड हिम, कोई बात सुनी जिसने उसे खुश कर दिया। द नेबर वाज इन ओल्ड विच, पड़ोस में क्या था, एक बूढ़ी जादूगरनी थी। शी वाज इन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच, वो एक नाराज़ और नाखुशगवार जादूगरनी थी। हु बिकेम फ्यूरियस, जो कि इस वक्त नाराज़ हुई थी, गुस्से में थी, फ्यूरियस गुस्से में थी। वेन एवर एनी वन सैड, और वो क्यों नाराज़ होती थी, वेन एवर एनी वन सैड हर नेम, जब कोई उसका नाम लेता था, शी हेटेड हर नेम, उसे अपने नाम से नफरत थी। All there was, all through her life, people had laughed or looked surprised when they heard what her name was. उसकी तमाम ज़िंदगी जो लोग जब उसका नाम सुनते थे हैरान होते थे और हंसते थे कि इसका क्या नाम है भाई, क्या नाम हो सकता है उसका। Can you guess what her name was? क्या आपको, आप guess कर सकते हैं उसका नेम क्या था? It was Five. उसका नाम क्या था? Five. उसका नाम था Five. So है ना थोड़ा different. एनएनसी पीक्ड थ्रू अ गैप इन द विचेस फेंस, अच्छा, एनएनसी ने जो उसकी एक दरार थी उसकी बाड़ के बाहर, वहाँ से झांक के देखा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड शी वाज स्टडिंग हर बिग कुकिंग पॉट, अब वो जो उसका खाना पकाने का जो बड़ा सा पॉट था उसके अंदर वो क्या थी, चम्मच चला रही थी। एंड मटरिंग, बड़बड़ा रही थी, ठीक है, कुछ बोल रही थी मुंह ही मुंह में, और क्या बोल रही थी, एंड मम्बलिंग, मटरिंग एंड मम्बलिंग, बड़बड़ाना होता है, आ स्पेल, कोई, अच्छा, कोई जादू पड़ रही थी, स्पेल, जादू, यानी कि कोई जो
जादूकारी थी, कुछ पढ़ रही थी। द स्मोक एंड स्पार्क्स फॉर ब्लू एंड ग्रीन। अच्छा, जो धुआं निकल रहा था और जो चिंगारियां निकल रही थी वो रेड, वो नीली और सब्ज कलर की थी। सो एनएनसी न्यू शी वाज कुकिंग अप सम बिग मैजिक। सो एनएनसी को पता चल गया कि ये जो है ये कोई बड़ा मैजिक जो है वो कर रही है। पका रही मीन्स के यहाँ पे इस कोई चीज़ पका रही जिसके ऊपर ये जादू कर रही है या उसका कोई तरीका है। सडनली शी स्नैच्ड अप हर स्टाफ एंड स्टार्टेड अप, फाउंड इट ऑन द ग्राउंड एज शी वॉक्ड अराउंड द पॉट। अचानक ही उसने अपना जो जो लाठी थी उसको ज़मीन पे मारना शुरू कर दिया और जो उसका कुकिंग पॉट था उसके चक्कर लगाना शुरू कर दिया। एनएनसी लिसन केयरफुली, एनएनसी ने गौर से सुना। टू व्हाट शी सेड, कि वो क्या कह रही है। आई कर्स एनीवन हु सेज द वर्ड फाइव टू डिसअपीयर फॉरएवर। ये जादू मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो फाइव का लफ्ज़ कहेगा डिसअपीयर फॉरएवर, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एनएनसी रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर एंड जम्प्ड अराउंड ऑन हिज एट हेरी लेग्स। एनएनसी ने जंप किया खुशी से और अपनी जो आठ बालों वाली टांगें थी उनको उछाला। आ दिस कुड मेक मी सम मनी और गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली। इस ट्रिक से जो है मैं कुछ अच्छा आइडिया आ गया कि मैं कुछ पैसे हासिल कर सकता हूँ या कुछ फूड अपनी फैमिली के लिए। ही स्माइल्ड वाइल्डली एंड हिज शार्प टीथ स्पार्कल्ड। वो जो है वाइल्डली बुरी तरह से मुस्कुराया एंड खुल के मुस्कुराया और उसके जो दांत थे वो सारे नज़र आने लग गए। एनएनसी रश्ड टू द पाथ दैट रन अलोंग द रिवर बैंक बिटवीन द विलेज एंड द मार्केट प्लेस। अब वो उस रास्ते की तरफ चला गया जो दरिया और गांव के दरमियान था, यानी कि जो मार्केट प्लेस की तरफ जाता था। सून एवरी वन हु वॉज गोइंग टू द मार्केट वुड वॉक पास्ट, यानी कि जो भी मार्केट जाता था वो इस रास्ते से गुजर के जाता था। दे वुड बी ऑन द वे टू बाय द डिलीशियस यम्स बीट्स पल्सेस इन ग्रेन्स दैट वुड बी फाइल्ड हाई इन द मार्केट। अब वो कह रहा था कि यम्स शकरकंदी बीट्स चुकंदर पल्सेस वगैरह, वो कह रहा था कि अब जो है जो भी यहाँ से गुजरेगा वो मज़े मज़े की चीज़ें लेने के लिए बाज़ार जाएगा जहाँ पे इन चीज़ों के पाइल ढेर लगे हुए हैं। एनएनसी सेट टू वर्क इन फाइल अप फाइव माउंट्स ऑफ अर्थ नियर द पाथ। अब एनएनसी बैठ गया और उसने काम शुरू किया। पाइल्ड होता है उसने ढेर बनाए, फाइव माउंट्स यानी कि पाँच छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाई और जैसे कि आप देख सकते हैं मिट्टी के ढेर बनाए और उसने ऐसे शो किया के दे वुड बी ऑन देयर वे टू बाय। अच्छा कहाँ थे हम, अच्छा दे लुक जस्ट लाइक द ही हैड प्लांटेड फाइव यम्स। अच्छा उसने पहाड़ियाँ बनाई और इस तरीके से शो किया कि जैसे उसने पांच शकरकंदियाँ जो हैं वो बो दी हैं, उनका बीज लगा दिया। देन ही सेट डाउन एंड वेटेड, अब वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। फर्स्ट टू कम बाई वॉज लिटल मिसेज रैबिट, सबसे पहले जो आई वो कौन थी, मिसेस रैबिट थी। शी कैरिड अ बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटोज पीसेज, पोटैटो पीसेज एंड वर्क स्लोली बिकॉज इट वॉज हैवी। अच्छा वो जो मिसेज रैबिट थी उन्होंने एक बास्केट उठाई हुई थी कि जो स्वीट पोटैटोज से भरी हुई थी उसके टुकड़ों से। और अब क्या हुआ जी, एनएनसी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड स्माइल्ड। वो काफ़ी मुश्किल से उठा रही थी बास्केट को, एनएनसी जो है वो आगे बढ़ा और स्माइल किया। दैट लुक्स लाइक अ बिग वेट, ये बहुत हैवी लग रहा है, बहुत वजन वाली चीज़ लग रही है। प्लीज़ रेस्ट अ वाइल एंड हेल्प मी, प्लीज़ थोड़ी देर रेस्ट कर लें, बहुत वजन आपने उठाया हुआ है। आई डोंट नो हाउ टू काउंट सो आई कैन नॉट टेल हाउ मेनी यम्स, और मेरी मदद भी कर दें कुछ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हाउ टू काउंट, कि कैसे काउंट करूँ, एंड सो आई कैन नॉट टेल हाउ मेनी यम्स, कि मैं मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं कैसे काउंट करूँ कि हाउ मैनी यम्स आई हैव प्लांटेड, के मैंने कितने जो हैं यहाँ पे शकरकंदियाँ लगाई हैं। सो आप मेरी मदद करें काउंट करने में। मिसेस रैबिट वॉज काइंड सो शी स्टॉप्ड, वो बहुत रहम दिल थी मिसेस रैबिट और उन्होंने क्या किया, स्टॉप कर लिया, रुक गई। शी पुट डाउन हर बास्केट, अपनी बास्केट नीचे रख दी एंड हॉप्ड लॉन्ग द रो। हॉप्ड होता है जैसे वो उछल उछल के चलते हैं ना रैबिट्स, तो वो हॉप्ड अलोंग, अब वो चलने लग गई उछल उछल के वो जो रो उसने बनाई थी उसके करीब और काउंटिंग गिन रही हैं, वन टू थ्री फाइव, सो वन टू थ्री फोर फाइव। सो इन अ फ्लैश इन बैंग मिसेस रैबिट डिसअपीयर्ड, और एक फ्लैश एक शोला उतरा निकला और धमाका हुआ और क्या हुआ, मिसेस रैबिट गायब हो गई क्योंकि उन्होंने फाइव बोल दिया था और वो जो जादू करनी थी उसने कहा था जो फाइव बोलेगा वो गायब हो जाएगा। एनएनसी
gobbled down the whole basket of sweet potatoes in seconds. Nancy जो था वो स्वीट पोटैटोज की जो बास्केट थी gobbled down जल्दी से सेकेंड्स के अंदर खा गया. He licked his lips and sat down again to wait. अब उसने अपने lips पे जो है ज़ुबान फेरी और फिर बैठ गया. No long after, अभी थोड़ा टाइम नहीं गुजरा था कि ही हर्ड लिटिल फुट स्टेप्स ऑन द पाथ एंड लुकड अप. अब उसने छोटे छोटे कदमों की आवाज़ सुनी और वहाँ पे और ऊपर देखा तो जनाब वहाँ पे क्या था. इट वॉज मिस्टर डक. अब ये मिस्टर डक थे. ही वॉक्ड अलोंग विद हिज चेस्ट हेल्ड हाई एंड हिज फीट मेड अप अ स्लैप स्लिप स्लैप साउंड ऑन द पाथ. अच्छा अब वो मिस्टर डक थे और वो चल रहे थे अपना चेस्ट बाहर निकाल के, जो बत्तख होती है ना जो उसका ऐसे सीना बाहर निकला होता है, एंड फीट मेड अप स्लिप स्लैप उसकी जो होती है पाँव की आवाज़ उस तरह की आवाज़ जो आ रही थी. ही हैड अ बैग विद हिज लंच इन इट बाय हिज साइड. और उसके साइड पे एक बैग था जिसमें उसका लंच था. मिस्टर डक स्टॉप व्हेन ही सा एनएनसी और आस्क हिम हाउ ही वाज. जब उन्होंने एनएनसी को देखा वो वहाँ रुक गए और पूछा कि एनएनसी का क्या हाल है. एनएनसी पुट इन ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन. एनएनसी ने जो है वो एक उदासी वाला चेहरा जो है जाहिर किया. मिस्टर डक आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माय यम्स, कैन यू हेल्प मी प्लीज़. मिस्टर यम मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने यम्स को कैसे काउंट करूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं. सो मिस्टर डक बॉबल्ड हिज हेड. उन्होंने अपना सर यस में हिलाया. बॉबल्ड हिज हेड यानी कि यस में हिलाया. एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट और अपना सीना जो है वो और बाहर निकाल के यानी कहा हाँ इवन फर्दर यानी कि मज़ीद अपना जो चेस्ट है बाहर निकाल के कहा. वेल एनएनसी हिज सेड इट्स क्वाइट सिंपल. ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं कर दूंगा. यानी कि और उसका सीना छोड़ा गया, मैं तो ज़रूर कर दूंगा, तो कोई काम ही नहीं है जो आपने खाया. स्टार्ट विद वन देन एस टू. अब उसने शुरू किया वन एंड देन टू थ्री फोर एंड फाइव. ठीक है. मिस्टर डक डिसअपीयर इंस्टेंटली और मिस्टर डक जो है फ़ौरन ही गायब हो गए. एनएनसी एट अप द लंच. एनएनसी ने वो सारा लंच जो था वो खा लिया. नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट एनएनसी'स फैमिली. अच्छा अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि जो एनएनसी की फैमिली है वो जो गया था उसके लिए लंच लेके जाना है, तो डिड ही थिंक अबाउट देम, क्या उसने उनके बारे में सोचा. डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम, क्या उसने उनके लिए कोई खाना बचा के रखा. नो ही डिड नॉट. नहीं उसने नहीं किया. ही डिडेंट. ही एट एवरीथिंग विदाउट अ थॉट अबाउट एनी ऑफ देम. उसने उनके में से किसी के बारे में सोचे बगैर ही सारा खाना खा लिया. नेक्स्ट टू कम अलोंग ऑन हर वे टू द मार्केट बाय सम टेस्टी ट्रीट्स वॉज अ फ्रॉग. अच्छा नेक्स्ट जो आ रहा था टेस्टी फूड ख़रीदने के लिए मार्केट के रास्ते में कौन था. मेंढक. शी डिड नॉट स्टॉप व्हेन एनएनसी कॉल्ड आफ्टर हर. हे प्लीज हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स. हे प्लीज़ मेरी मदद करो मेरे प्लांट्स गिनने में. शी लाफ्ड. वो मुस्कुराई नो वे काउंट देम बाई योर सेल्फ. खुद ही गिन लो मुझसे नहीं गिने जाने. शी कार्ल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी हॉप्ड अवे यानी कि कार्ल्ड ओवर हर शोल्डर यानी कि शोल्डर से गर्दन पीछे करके बात करना और हॉप्ड अवे और वो चली गई. बैंडक भी उछल उछल के चलता ना हॉप्ड अवे तो वो चल के चली गई. इट डिड नॉट बॉदर एनएनसी टू मच बिकॉज ही न्यू देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम टू ट्राई हिज ट्रिक्स आउट. अच्छा अब इस चीज़ ने उसको ज़्यादा बॉदर नहीं किया क्योंकि उसने कहा कि अभी तो प्लेंटी ऑफ चांसेस हैं, अभी बहुत सारे लोग आएंगे जो मार्केट जाएंगे और वो अपनी ट्रिक आउट करेगा या ट्रिक इस्तेमाल करेगा. ही इमेजिन व्हाट डिलीशियस फूड ही वुड फाइंड. और वो अभी इमेजिन कर रहा था, सबर कर रहा था कि क्या डिलीशियस फूड उसने तलाश किया. ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग एनी टू हिज हंग्री चिल्ड्रन. अब वो अपने हंग्री चिल्ड्रंस के लिए भूखे बच्चों के लिए इमेजिन नहीं कर रहा था. ही वॉज गोइंग टू ईट एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टोमक एंड देन कम बैक एंड ट्राई द ट्रिक अगेन ऑन अनदर डे. वो कह सके आज उसे जो भी मिलेगा वो अपने स्टमक में भर लेगा यानी कि ज़्यादा खा लेगा और ये ट्रिक दोबारा किसी दिन आजमाएगा बच्चों के लिए. अस्करिंग साउंड फुल्ड एनएनसी. एक जल्दी से आती आवाज़ ने जो है उसको अपनी तरफ खींचा. एनएनसी आउट ऑफ हिज डे ड्रीम. एनएनसी जो दिन में ख्वाब देख रहा था उसे बाहर निकल आया. इट वॉज मिसेस श्यू. ये मिसेस श्यू थी. ऑन हिज टाइनी बैग शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पाइस.
दैट शी वॉज हॉपिंग टू सेल। अच्छा, अब वो जो मिसेस श्यू थी उनकी छोटी सी कमर पे एक बड़ा लोड था पाइस का। पाइस होता है एक लिटिल टाइप पेस्ट्री जिसके ऊपर फ्रूट से जो है वो ड्रेसिंग की जाती है, ऊपर कुछ डेकोरेशन सी। सो एप्पल पाई लाइक जैसे आप वनीला आइसक्रीम के साथ मोस्टली लेते हैं। दैट शी वॉज हॉपिंग टू सेल, और उनको उम्मीद थी कि वो ये बेचने जा रही हैं। एंड द लोड वॉज 3 miles हर साइज एंड हर फेस वॉज रेड फ्रॉम द एफर्ट शी वॉज मेकिंग। और वो जो लोड था वो करीबन उनसे 3 times उसकी बॉडी से ज़्यादा था और उसका फेस रेड हो गया था। ओ लेडी श्री, हाउ नाइस टू सी यू, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। सिट अवाइल, आप कितनी अच्छी हैं, सिट अवाइल एंड रेस्ट, थोड़ी देर बैठ जाएँ रेस्ट करें। I need your help to count my plants and you can share with your wisdom with me. आप मेरी हेल्प करें, कुछ देर सांस ले लें, मेरी हेल्प करें मेरे पौधे गिनने में, एंड अपनी जो अकल है वो भी मुझे मेरे साथ शेयर करें, यानी कि आप बहुत अकलमंद हैं। नाउ ही इज़ बटरिंग एंड एनसी ग्राइंड एंड शोड आल हिज शार्प टीथ। एंड एनसी ने जो है ना अब अपने दांत जो ग्राइंड आपस में, जैसे टीथ जो है आपस में उनको ग्राइंड का बेसिकली मतलब होता है पीसना, लेकिन ये क्या है कि एनएनसी जो है वो यहाँ पे ग्राइंड करा अपने टीथ, यानी कि एप्पल पाई खाने के लिए, ये जो पाई था उसके पास उसको खाने के लिए। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग बिकॉज ही रियली वॉन्ट टू ईट आल द पाइस। अब वो कोशिश कर रहा था कि वो चार्मिंग दिखाई दे, यानी कि पूरी बटरिंग कर रहा था क्योंकि उसको तो पाइस खाने थे। मिसेस श्यू वॉज नॉट अ फूल, वो बेवकूफ़, मिसेस श्यू बेवकूफ़ नहीं थी। शी कुड सी एनएनसी आइज ग्लिसन इन एज ही लुक्ड एट हर पाइस, वो जानती थी कि उसकी आंखों में चमक आ रही है जैसे उसके पाइस को देखता है। वेल एनएनसी यू आर काइंड, अच्छा एनएनसी तुम अच्छे हो। आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ। शी पुट डाउन हर लोड, उसने अपना लोड नीचे रख दिया। हाउ कैन आई हेल्प, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। आई कैंट काउंट, ही लाइड, मैं गिन नहीं सकता, उसने झूठ बोला। कैन यू काउंट माई यम माउंट्स फॉर मी, क्या तुम मेरे यम माउंट्स गिन सकती हो मेरे लिए। मिसेस श्यू स्माइल, वो मुस्कराए। शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट एंड स्टूड ऑन इट, वो नियरेस्ट माउंट के पास गई जो ढेरी लगाई थी उसने मिट्टी की, उसके पास गई। एंड शी पॉइंटेड द माउंट दैट वॉज फर्दर्स्ट अवे फ्रॉम हर, जो उससे दूर थे। 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन, और ये वाला। शी सैड क्लियरली, उसने क्लियरली कहा। एंड एनएनसी फ्रोंड, डू इट अगेन, एनएनसी जो है वो ज़रा गुस्से में आ गया, उसने कहा दोबारा गिनो भाई, मुझे समझ नहीं है इसे। ऑल द नंबर्स, तमाम नंबर्स कहो। ही सैड 1, 2, 3 एंड दिस वन, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन, और ये वाला। That I am sitting on, जिस पे मैं बैठी हूँ। Mrs. Shu spoke slowly and clearly. Mrs. Shu जो है वो आहिस्तगी से बोल रही थी और साफ साफ बोल रही थी। Flash of finger passed over Nancy's face. And Nancy को गुस्सा आ गया। Come on, say them properly. सही तरह गिनो ना, मुझे समझ नहीं आ रही है। He was finding it difficult to keep a smile on his face. और उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो फेस पे स्माइल लाए, क्योंकि जो गुस्सा आ रहा था कि भाई ये 5 क्यों नहीं बोल रही कि गायब हो जाए और मैं सारे पाइस खा जाऊँ। अगेन मिसेस श्यू स्माइल स्विफ्टली एंड काउंटेड स्लोली, अब फिर मिसेस श्यू जो है बस उन्होंने स्माइल किया और काउंट करना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन हियर, 1, 2, 3, 4 और ये वाला यहाँ पर। शी पॉइंटेड टू द माउंट बेनिथ हर फीट, अपने पाँव के नीचे जो माउंट था जो डेरी थी उसकी तरफ इशारा करके कहा। ओह गुस्से, 1, 2, 3, 4, 5 ओह गुस्से से, 1, 2, 3, 4, 5 शाउटेड एनएनसी। एनएनसी ने शाउट किया और खुद ही गिन लिया। इंस्टेंटली इन अ बिग बर्स्ट ऑफ स्पार्क ही डिसअपीयर्ड, अचानक एक शोला, एक धमाका हुआ रोशनी का और एनएनसी गायब हो गया। मिसेस श्यू पिक्ड अप द हर लोड एंड सेट ऑफ टू द मार्केट, मिसेस श्यू ने अपना जो लोड था वजन था उठाया और मार्केट की तरफ चल पड़ी। शी वुड सेल दीज पाइज इन बाई माउथ वाटरिंग डिलीशियस फॉर हर फैमिली। अच्छा, यहाँ अब उन्होंने अपना लोड उठा लिया और अपने वो पाइज को सेल करेंगे। माउथ वाटरिंग डिलीशियस, यानी कि ऐसा फूड जो अक्सर ना मिले, कभी कभी खाने को मिले, तो अब वो ऐसा जो माउथ वाटरिंग डिलीशियस फूड था अपनी फैमिली के लिए ख़रीदने जा रही थी। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।